ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत। आज का विषय है भागवत गीता के दो श्लोक 56 और 57। पहले हम श्लोक नंबर 56 पढ़ेंगे और उसके पश्चात श्लोक नंबर 57। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वन् मद्व्यपश्रयः मत्प्रसादं वप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, मेरे शुद्ध भक्त, मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। और इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कदम करते हैं, उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वो सदा 24 घंटे शत प्रतिशत परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वो समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंतो गत्वा दिव्य धाम या कृष्णा लोक को प्राप्त करता है। भगवद गीता का संदेश मानव समाज के सुधार के लिए है और आज इस कलियुग में इस संदेश की बहुत आवश्यकता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहते हैं, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी वो मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। अब इसका ये अर्थ नहीं कि अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त हो तो आपको और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, केवल भजन। आप भगवान के शुद्ध भक्त होकर भी इस संसार में रह सकते हो साधारण व्यक्ति के समान। भगवत गीता में भगवान उदाहरण देते हैं एक कमल का फूल का, जो जल में है पर जल को छूता नहीं। इसी प्रकार अगर हमने ये दिव्य ज्ञान को अनुकूल किया है और अगर हमारे सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के प्रतिनिधि द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करें, तो इस शिक्षा के सहयोग से भौतिक समाज में रहते हुए हम भौतिक समाज के दोषों से बच सकते हैं। ये शास्त्र का निर्णय है। तात्पर्य में भक्तिदानंद स्वामी प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये अवश्य है कि हम परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि गुरु के द्वारा भगवान के संदेश को समझने का प्रयास करें। हमारे वैदिक शास्त्रों में इस विषय पर बल दिया गया है कि अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो हमें किसी प्रमाणिक गुरु के द्वारा इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। इस विषय पर बल दिया जाता है और परम भगवान ने स्वयं उदाहरण भी दिया था, जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे अपने भाई बलराम के साथ, तो दोनों भाइयों ने संदीपनी मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया था और बड़ी नम्रता के साथ गुरु की सेवा भी की। जब भगवान श्री कृष्ण आए थे इस पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, तो उन्होंने भी ईश्वरपुरी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। एक महान संत रूप गोस्वामी जी, जिनसे आप अवश्य ही परिचित हो, रूप गोस्वामी जी ने कहा है भक्ति रसमृत सिंधु नाम के ग्रंथ में कि सबसे पहले हमें
गुरु की शरण लेनी चाहिए, फिर गुरु की सेवा करनी चाहिए, फिर गुरु से दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, फिर गुरु से ये पूछना चाहिए कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है, और अगर कोई त्यागना भी पड़े जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो उसे हमें घबराना नहीं चाहिए। हम अनेक उदाहरण के पढ़ते हैं शास्त्रों में, संतों के अनेक उदाहरण हैं कि किस प्रकार उन्होंने गुरु को स्वीकार किया, गुरु के आदेश का पालन किया और जीवन में आगे बढ़ सके। आज से लगभग 500 साल पूर्व एक भक्त थे जिनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर, थे वो राजा के बेटे, बड़े प्रसिद्ध भक्त थे और उन्होंने लोकनाथ दास को स्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। लोकनाथ दास को स्वामी पहले उन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, फिर जब उन्होंने देखा कि इनकी बड़ी इच्छा है और बड़ी निम्रता के साथ सेवा कर रहे हैं तो फिर उन्होंने इन्हें गुरु शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, प्रमाणिक गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदार पस्त वेगम। वो व्यक्ति गुरु बन सकता है जिसका मन बुद्धि इंद्रियों पर पूरा वश, जिस व्यक्ति ने मन बुद्धि इंद्रियों को वश में किया हो वो व्यक्ति में यह योग्यता है शिष्यों बनाने के लिए। तो भगवान यह कह रहे हैं मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में। तो भगवान कहते हैं गीता में, कौन थे आप पति जान ही नाम है भक्त प्रनशति। हे अर्जुन, तुम सारे विश्व को ये सूचना दो, क्या मेरा भक्त जो है कभी नष्ट नहीं होगा। ये नहीं कि भक्त को किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं करनी पड़ती, पर यह अवश्य है कि भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज को अनेक प्रकार की कठिनाइयां भुगतनी पड़ी, क्या था उनका दोष, केवल उनकी श्रद्धा थी परम भगवान के प्रति। और अनेक और उदाहरण हैं, पर भगवान ने हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा की है। महाभारत में आप एक कथा पढ़ते हो कि एक समय दुर्वासा मुनि, जैसे आप जानते होंगे दुर्वासा मुनि बड़ी सरलता के साथ प्रसन्न हो जाते हैं और सरलता के साथ क्रोधित भी हो जाते हैं। तो एक समय दुर्वासा मुनि गए थे अपने 10,000 शिष्यों के साथ, गए थे दुर्योधन के घर और दुर्योधन ने उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया, अच्छी देखभाल की। और देखभाल के बाद दुर्वासा मुनि निकल रहे थे दुर्योधन के घर से, तो उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं, तुमने इतनी अच्छी देखभाल की है मेरी। दुर्वासा ने कहा, हाँ अगर आप चाहो तो मेरे भाई युधिष्ठिर के घर भी आप हो आओ, युधिष्ठिर को भी अपनी संगत दीजिएगा। जैसे आप जानते हो ये दुर्योधन के हृदय में एक ही विचार था किस प्रकार से पांडव भाइयों को नष्ट किया जाए, और उन्होंने सोचा कि अगर दुर्वासा मुनि वहां जाएंगे खास करके उस समय के पश्चात जबकि द्रौपदी ने प्रसाद खा लिया हो तो दुर्वासा मुनि अपमान महसूस करेंगे और शायद युधिष्ठिर को शाप दे। तो उन्होंने कहा कि आप युधिष्ठिर के घर जाइए पर द्रौपदी को दोपहर का भोजन खाने के पश्चात, क्योंकि जब द्रौपदी जंगल में जा रही थी तो सूर्य के देवता ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था जिसके द्वारा
जितने भी व्यक्ति आए सबको भोजन मिल जाता था, पर केवल जब तक द्रौपदी ने अपना भोजन नहीं खाया हुई दोपहर का, और इसलिए उन्होंने कहा कि आप उधर जाना उनके दोपहर के भोजन खाने के बजाय। जब दुर्वासा मुनि पहुंचे अपने 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के घर, युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया और उन्होंने उनसे ये कहा, आइए भोजन खाइए। दुर्वासा ने कहा, हमें दोपहर की विधियों का पालन करने दो, स्नान करने गए और स्नान करके हम आते हैं भोजन खाने के लिए। ब्राह्मण और सन्यासी अक्सर दिन में 3 बार स्नान करते हैं। तो युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी से कहा कि प्रसाद तैयार करो 10,000 लोगों के लिए, द्रौपदी ने कहा, ये तो संभव है, अब से मैंने भी दोपहर का भोजन खा लिया है, पर ये कैसे संभव हो पाएगा? और घबरा गई द्रौपदी और रोने लगी। सुख या दुख दोनों स्थितियों में भक्त केवल भगवान को ही जानता है, और दुख में और अधिक मात्रा में भगवान के शरणागत होता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में हमें कुंती देवी जी की प्रार्थना प्राप्त होती है, और कुंती देवी जी कहती हैं, हे भगवान, आप मेरे कष्टों को बढ़ाओ, क्योंकि जितना आप मेरे कष्टों को बढ़ाते हो उतना ही अधिक मैं आपके शरणागत होती हूं, उतना ही अधिक मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करती हूं, और जितना अधिक मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करूंगी उतनी ही जल्दी मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। तो भक्त जो है दुख की स्थिति में भी नहीं घबराता, उल्टा भक्त यही सोचता है कि ये जो कष्ट मुझे आ रहा है भगवान की असीम कृपा से हजारों गुना कम हो गया है। इस विषय पर एक बड़ी सुंदर कथा है पुराणों में, जिसकी हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। तो द्रौपदी घबरा कर रोने लगी और उसी समय भगवान वहां पहुंच गए। भगवान ने कहा, द्रौपदी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। द्रौपदी ने कहा, कुछ है ही नहीं घर में खाने के लिए, दोपहर का भोजन मैंने स्वीकार कर लिया है। भगवान ने कहा, मैं विश्वास नहीं करता, लाओ वो बर्तन जिसमें तुमने भोजन बनाया था। और जब वो बर्तन लाई तो भगवान को क्या, एक साग का पत्ता मिल गया जो एक बर्तन के साथ जुड़ा हुआ था। वो जैसे ही भगवान ने उस साग के पत्ते को खाया, दुर्वासा मुनि और सारे 10,000 ब्राह्मण जो थे उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनका पेट भर गया है, उन्हें डकार आने लगा। और दुर्वासा मुनि समझ गए कि यहां जरूर भगवान की कोई लीला है। थोड़े समय पहले उन सबको भूख लग रही थी और अब सब ऐसे महसूस करने लगे कि हमारा पेट भर गया है, और जैसे ज्यादा खाने से कई बार दिखा रहा था। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, अगर हम इस स्थिति में युधिष्ठिर के घर जाएंगे और हम भोजन नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि पेट भरा हुआ है तो अपमान होगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि दुर्वासा मुनि ने एक समय ईर्ष्या रखी थी अम्बरीश महाराज के प्रति, और इसके कारण उन्हें एक बड़ा गहरा सबक मिला था। तो उनकी इच्छा नहीं थी कि फिर से किसी प्रकार का वैष्णव अपराध करें। तो दुर्वासा मुनि ने अपने शिष्यों से कहा, चलो हम यहां से चलते हैं,
हम युधिष्ठिर के घर नहीं जाएंगे। भगवान ने भीमसेन से कहा, जाओ दुर्वासा उनके शिष्यों को बुलाओ। भीमसेन गए, चिल्लाकर कह रहे थे, दुर्वासा मुनि तुम कहाँ हो, आओ भोजन तैयार है, और दुर्वासा मुनि चले गए थे। तो भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्तों से कहते हैं मेरी शरण में आओ और घबराओ मत। एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव कवि हैं जिन्होंने एक प्रार्थना में कहा है, बाजा हो रे मन श्री नंद नंदना अभय चरना रविंद रे। वो कहते हैं, हे मेरा मन, तू भय से भरा हुआ है, हम सब का मन भय से भरा हुआ है, और अगर तुम इस भय से रहित होना चाहते हो तो महाराज नंदा के जो पुत्र हैं उनकी शरण स्वीकार करनी चाहिए। जैसे कि जिन्होंने परम भगवान की शरण स्वीकार की है वो हर स्थिति में संतुष्ट होते हैं, और भौतिकवादी व्यक्ति की तुलना में जो अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते हैं सुरक्षा के लिए, हालांकि कितनी भी सफलता प्राप्त कर लें भौतिक क्षेत्र में सदा निराश रहते हैं और चिंतित रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, मैं शुद्ध भक्त, मैं सुरक्ष में समस्त प्रकार के कार्य में संलग्न रहकर भी, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो अनेक प्रकार के कार्य भी करते हैं। यत् करोषि यदश नासी यज्ञ होषि ददासि यत् तपस्वती कौन्तेया तत् कुरुष्व मत अर्पणम्। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का, जो कि 9वें अध्याय में प्राप्त होता है, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। भगवान इसमें कह रहे हैं, यत् करोषि, जो भी तुम करते हो मेरे लिए करो। हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई पढ़ाई करता है, कोई नौकरी करता है, कोई घर की देखभाल कर रहा है, मेले करो। जो भी तुम दान देते हो मेले करो, जो खाते हो वो पहले मुझे भोग लगाओ। भगवान गीता में कहते हैं कि हमें खाने से पहले भगवान को भोजन लगाना चाहिए, इसे कहा जाता है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है भगवान की कृपा। भगवान ने गीता में यह भी कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ये कह रहे हैं क्या हम स्वीकार कर सकते हैं और क्या नहीं स्वीकार कर सकते। भगवान कहते हैं, प्रेम और भक्ति के साथ अगर तुम एक पत्ता भी फूल भी मुझे अर्पण करोगे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। पर भगवान हमारे प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। तो भगवान ने कहा, अगर हम खाएं तो हमें खाने से पहले उन्हें भोग लगाना चाहिए। जब हम मंत्र के उच्चारण से भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान नेत्रों से और कानों से इसे स्वीकार कर लेते हैं। आप और हम किसी एक अंग से एक ही कार्य कर सकते हैं, सच बात है। अगर हमने देखना है तो सिर्फ नेत्रों से देख सकते हैं, अगर आपने सुनना है तो सिर्फ कानों से सुन सकते हो, अगर आपने खाना है तो आप सिर्फ मुंह से खा सकते हो। पर परम भगवान के विषय में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता नाम के ग्रंथ में कहा है कि उनकी एक योग्यता यह है कि वो किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य भी कर सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में भगवान नेत्रों से खा लेते हैं, कानों से खा लेते हैं, कानों से वो सुनते हैं भक्त की प्रार्थना मंत्र के उच्चारण के द्वारा, और नेत्रों से स्वीकार करते हैं भोजन को, और उस भोजन में भगवान की थूक मिल जाती है, इसलिए हम उसे प्रसाद बुलाते हैं। और प्रसाद खाने से हमारी जो अशुद्ध इंद्रियां हैं
शुद्ध हो जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने खास करके ये कहा है कि प्रसाद खाना चाहिए, प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो खाते भी हो मुझे अर्पण करके खाओ, तो वो भी दान मेरे लिए करो। अलग अलग प्रकार के दान हैं और अलग अलग प्रकार के दान का अलग अलग प्रकार का लाभ है। पर अगर हम दान शुद्ध स्थान में दें, शुद्ध कार्य के लिए, तो उसका हमें सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं जो तपस्या करो वो भी मुझे प्राप्त करने के लिए करो। तो इस प्रकार आप अपने जीवन को सफल बना सकोगे। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो सदा भगवान की सुरक्षा में रहते हैं। भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, सारे विश्व को बताओ मेरा भक्त है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। और जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हुआ है शत प्रतिशत, तात्पर्य में प्रभु जी कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं शत प्रतिशत 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। आप कहोगे स्वामी जी क्या भगवान के शुद्ध भक्त सोते नहीं? 6-7 घंटे सोने के लिए भी चाहिए, सोते हैं, पर उनका सोना भी भक्ति में गिना जाता है, क्योंकि सोने के द्वारा उनमें ये योग्यता आती है कि बाकी 18-19 घंटे भगवान के सेवा में वो जुड़े रहे हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि भगवान के शुद्ध भक्त 24 घंटे भगवान के सेवा में रहना चाहते हैं, और किसी स्थिति में वो भगवान की सेवा से जुदा नहीं रहना चाहते। जिस प्रकार मछली किसी स्थिति में जल से जुदा नहीं रहना चाहती, उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की सेवा से जुदा नहीं रहना चाहता। भगवान कहते हैं कि जो भक्त इस भाव से सेवा करेगा वो अवश्य ही मेरे दिव्य धाम में लौटेगा। भगवान के दिव्य धाम के विषय में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु शाश्वत है, अभिनेश्वर है और ज्ञानमय होती है। ये भौतिक जगत है कुंता लोका, भगवान के दिव्य धाम को वैकुंता लोका कहा जाता है। कुंता का अर्थ है जहाँ कष्ट ही कष्ट हो, वैकुंता का अर्थ है जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं। भगवान कहते हैं मेरा शुद्ध भक्त मेरे दिव्य धाम में लौटता है। पर हमारा दुर्भाग्य क्या है कि भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं उनके दिव्य धाम में लौटने के लिए, पर हम कहते हैं नहीं नहीं हम यहाँ ही सुखी हैं। ये है हमारा दुर्भाग्य। तो आज का अगला श्लोक इस प्रकार से है, जैसे हमने कहा था 2 श्लोकों पर प्रवचन दिया जाएगा। चित सर्व कर्माणि मैत्रियस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य माचितः तदतं भवः। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसे भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे कार्यों पर हमें उन पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसका ये अर्थ नहीं कि हम प्रयास नहीं करें। भक्त क्या सोचता है कि परम भगवान हर चीज के स्वामी है और हम जो है केवल उनके दास हैं, इसलिए उनके निर्देशों अनुसार भक्त कार्य करता है जो संदेश आदेश गुरु परंपरा द्वारा आता है। तो भगवान कह रहे हैं सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। तो हमें प्रयास करना है और साथ में भगवान की कृपा पर निर्भर रहना है। अंग्रेजी में कहते हैं God helps those who help themselves। भगवान उनका सहयोग देते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में
अर्जुन ने आरंभ में इनकार कर दिया था युद्ध में लड़ने से। अर्जुन ने कहा मैं इस युद्ध में कैसे लड़ूं, सारे आदरणीय सज्जन सामने उपस्थित हैं, मैं उनके सामने लड़ने को तैयार नहीं। पांडव के पिता की मृत्यु हो गई थी छोटी सी आयु में, धृतराष्ट्र पैदाइशी अंधे थे, इसके लिए वो राजा नहीं बन पाए क्योंकि उनके भतीजे छोटे थे तो वो राज्य की देखभाल कर रहे थे। पर इस विचार से ये आरंभ हुआ था कि बड़े होने पर ये राज्य पांडव को लुटाया जाएगा। जब वो उम्र के होए तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने इनकार कर दिया कुछ देने से। पांडव भाइयों ने कहा अगर पूरे विश्व को रखना चाहते हो कम से कम 5 गांव तो हमें दे दो। उन्होंने कहा नहीं, अंत में युद्ध के अलावा और कोई उपाय नहीं था। पर अर्जुन ने कहा कि मैं इस युद्ध में नहीं लड़ूंगा। जब भगवान पार्थसारथी बनकर अर्जुन के रथ को ले गए दोनों सेनाओं के बीच में, तो जब अर्जुन ने देखा कि सामने कौन कौन उपस्थित हैं, उन्होंने कहा मैं इस युद्ध में नहीं लड़ सकता। तो भगवान ने कहा क्षत्रिय के रूप में तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है कि तुम इस युद्ध में लड़ो। तस्मा सर्वेश कलेश मनुस्मा युद्ध चाहे अर्जुन, हार और जीत का सोचे बिना मेरा चिंतन करते हुए, बुद्धि द्वारा मेरा स्मरण करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो। तो ये जो संदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, ये संदेश हम सबके लिए है, पूरे मानव समाज के लिए है। और हम सबको जो भी हम कार्य करें ये करना चाहिए भगवान पर निर्भर रहते हुए। और अगर हम भगवान पर निर्भर रहते हुए हर कर्म को करेंगे तो भगवान कहते हैं कि अवश्य ही तुम मेरे धाम लौटोगे। अगर हम भगवान का चिंतन करते हर कार्य नहीं करेंगे तो हमें भौतिक विषयों का चिंतन करना पड़ेगा, और अगर हम भौतिक विषयों का चिंतन करेंगे तो फिर हम जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान कह रहे चित्त से सर्व कर्मानि, कार्य करो। कई बार लोग गीता को गलत समझ बैठते हैं। गीता ये नहीं कह रही तुम आलसी बन जाओ, गीता ये नहीं कहती कि तुम परिश्रम नहीं करो, प्रयास नहीं करो। भगवान ने जो योग्यता दी है उस योग्यता का हमें उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। वो है असली भाव भक्त का। और भक्त हर स्थिति में सुख दुख में भगवान का ही स्मरण करता है। जब उसे कष्ट भुगतना भी पड़े वो सोचता है ये तो भगवान की असीम कृपा है कि इतनी छोटी मात्रा में मैं कष्ट भुगत रहा हूं। जैसे कि एक समय एक राजा थे, उनकी 2 उंगलियां कट गई थी, तो उनका जो प्रधानमंत्री था बड़ा धार्मिक था। लौटकर उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा मेरी 2 उंगलियां कट गई हैं, क्या कारण है, भगवान ने यह कष्ट मुझे क्यों दिया। प्रधानमंत्री ने कहा भगवान जो करते हैं भक्त की भलाई के लिए ही करते हैं। तो उन्होंने अपमान महसूस किया। राजा ने कहा इसे जेल में डाल दो, मेरी 2 उंगलियां कट गई है। और ये प्रधानमंत्री हंस रहे मेरे ऊपर। राजा गए थे शिकार करने के लिए, अक्सर तो प्रधानमंत्री साथ जाता था, पर इस समय क्योंकि प्रधानमंत्री जेल में थे तो राजा अकेले गए। जंगल में चोरों ने उन्हें पकड़ लिया, और जो चोर थे वो राजा को देवी कली के चरणों में अर्पण करने जा रहे थे। तो उन्होंने राजा के शरीर को सजाया, बिल्कुल सजा कर पहले स्नान किया फिर सजाया, और जैसे ही उसको अर्पण करने जा रहे थे
तो उन्होंने देखा कि इसकी दो उंगलियां नहीं है। और इनका ये नियम है कि अगर शरीर का कोई अंग ना हो तो उसे उस व्यक्ति को कली के चरणों में अर्पण नहीं करते। तो इन डाकू ने कहा, अरे अरे ये इसे तो हम कुछ नहीं कर सकते बाबा, इसके तो दो उंगलियां नहीं है। तो उन्होंने छोड़ दी। राजा बहुत खुश हो, राजा सोचने लगा कि जो मेरे प्रधानमंत्री ने कहा था, ठीक कहा था कि भगवान जो करते हैं भक्त की भलाई के लिए करते हैं। तो राजा वापस महल में पहुंचा। राजा ने कहा छोड़ दो प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री से कहा कि जो आपने कहा ठीक कहा था, भगवान जो करते हैं भक्त की भलाई के लिए ही करते हैं। तो राजा ने कहा पर आप ये बताओ, आपका भगवान में इतना पक्का विश्वास है, भगवान ने मेरे द्वारा तुम्हें जेल में क्यों भिजवाया? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप समझते नहीं कि अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ जाता जंगल में शिकार करने, और अगर मैं आपके साथ जाता तो मुझे भी वो पकड़ लेते, और क्योंकि मेरे सारे अंग शरीर के हैं तो मुझे मार देते। तो जेल में डालने के द्वारा भगवान ने मुझे बचा लिया। तो इस प्रकार अनेक कथाएं हैं, लीलाएं हैं भक्तों की, जिनके द्वारा हमें ये संदेश मिलता है कि भगवान जो करते हैं अपने भक्त की भलाई के लिए ही करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इस 18वें अध्याय में, भगवान फिर से बड़े स्पष्ट तरीके से भक्ति योग के साधन पर बल दे रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं सारे कर्मों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। तो हमें सदा कार्य करना चाहिए इस भाव से कि हम ये कर रहे हैं भगवान की खुशी के लिए। और जैसे आप सुन बैठे हो, क्या खुशी के लिए है क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये ज्ञान हमें भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिनिधि द्वारा शिक्षा ग्रहण करना अवश्य है। चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जी तो स्वयं भगवान हैं। तो सनातन गोस्वामी जी एक समय नवाब हुसैन शाह के राज्य में बड़ी प्रसिद्ध जिम्मेदारी की नौकरी निभा रहे थे, पर फिर वो त्याग कर वो वृंदावन में आए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा भक्त जो है, जो भक्ति के लिए अनुकूल होता है उस कार्य को स्वीकार करता है, और जो प्रतिकूल है उसे वो त्यागता है, और वो निर्भर रहता है भगवान की कृपा पर। उसे पता है कि मेरी सुरक्षा केवल परम भगवान द्वारा ही हो सकती है। एकल ईश्वर कृष्ण असभ्यतया, कृष्ण भगवान परम भगवान है और सब बाकी उनके सेवक है। तो हमारी सुरक्षा परम भगवान के द्वारा ही हो सकती है, और वो निम्रता को अनुकूल करता है। तो सारे कार्यों पर भगवान पर निर्भर रहना, सारे कार्यों के पीछे ये भाव होना चाहिए कि इस कार्य का उद्देश्य है भगवान की प्रशंसा। मान लो आप विद्यार्थी हो, आपकी इच्छा है कि आप बहुत बड़े विज्ञानी बनो, बड़े विज्ञानी, बड़ी से बड़ी डिग्री प्राप्त करो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से, पर विज्ञान द्वारा ये साबित करो कि भगवान की इच्छा के बिना एक घास का पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो जो भी कार्य आप करना चाहते हो इसे करो इस भाव से कि इसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। तो ये नहीं कि भक्त बेकार रहता है, भक्त शिक्षा प्राप्त करता है भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा। कई बार लोग पूछते हैं, और प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते हैं तात्पर्य में, वो कहते हैं कि अर्जुन का तो सौभाग्य था कि भगवान के साथ वो समक्ष थे,
अर्जुन ने प्रश्न पूछे, भगवान ने उत्तर दे दिया। परीक्षित महाराज ने शुक्रदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछे, शुक्रदेव गोस्वामी ने प्रश्न का उत्तर दे दिया। पर आज कहाँ है भगवान? हाँ, अर्जुन ने तो प्रश्न पूछे, अर्जुन के पास कई बेचैन विचार थे, उन्होंने भगवान से प्रश्न पूछे, भगवान ने उनके विचारों का, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और अर्जुन ने कहा मेरी अज्ञानता अब दूर हो गई है। तो साधारण व्यक्ति कई बार पूछता है, हमारा तो ये सौभाग्य नहीं है, परम भगवान तो हमारे समक्ष नहीं खड़े, तो हमें ये लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर ये है, भगवान की वाणी, और अगर हम भगवान की वाणी को यथारूप स्वीकार करें और अगर हमें ये यथारूप संदेश उनके प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त हो तो हमें वही लाभ प्राप्त होगा जो कि अर्जुन को प्राप्त हुआ था 5,000 साल पूर्व, जब उन्होंने कृष्ण भगवान से ये ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरे शब्दों में अगर हम ये गीता का अध्ययन करें और उनके शुद्ध भक्तों द्वारा गीता के संदेश को समझें तो इसके द्वारा हम समझ सकेंगे कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, भगवान का असली संदेश क्या है। ये अवश्य है कि आप भगवान के संदेश को यथारूप स्वीकार करें। यथारूप का अर्थ है उसी भाव से, जिस भाव से भगवान ने दिया और जिस भाव से अर्जुन ने स्वीकार किया। ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम सब भगवान की वाणी को पढ़कर अपने विचारों को जोड़ सकते हैं और ये है गीता का संदेश। नहीं, माफ करना, ये गलत है। अगर आप डॉक्टर की दवाई के द्वारा इलाज कराना चाहते हो तो डॉक्टर की दवाई को नुस्खे के अनुसार लेना पड़ेगा, नहीं तो उसका लाभ नहीं पहुंचेगा। उसी प्रकार अगर हम गीता के संदेश का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें ये संदेश यथारूप स्वीकार करना चाहिए, भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि द्वारा इस संदेश को स्वीकार करना चाहिए और शिक्षा का पालन भी करना चाहिए। शिक्षा के पालन किए बिना कैसे लाभ आएगा? मान लो आपके पास सबसे अच्छी दवाई है पर आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे तो आपकी बीमारी दूर थोड़ी होगी। तो गीता कई बार हम ले लेते हैं, घर में रखते हैं पर उसको पढ़ते नहीं, ये गलत है। हमें गीता पढ़ना चाहिए। अखबार पढ़ने के लिए समय है, मैगजीन पढ़ने के लिए समय है, तो गीता पढ़ने के लिए भी थोड़ा समय ढूंढ लेना चाहिए। अगर हम किसी चीज की आवश्यकता मानते हैं तो हम किसी न किसी रूप से समय निकालते हैं उसके लिए। मान लो हमारे शरीर के किसी अंग को छो जाए तो हम कुछ भी करेंगे उसका सुधार करने के लिए। उसी प्रकार हमें बुद्धि को लगाना चाहिए इस गीता के संदेश को समझने के लिए, और गीता का संदेश है पूरे मानव समाज के लिए। भगवान ने गीता में कहा, हम बीजा प्रदा पिता, मैं जो हूँ हर योनि का पिता हूँ। और आज सारे विश्व में हम देख रहे हैं कि गीता के संदेश के आधार पर लोग अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ कि हमें उन पर निर्भर रहना चाहिए और हर कार्य करना चाहिए इस विचार से कि हम उनकी प्रशंसा के लिए कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है, सारे कार्यों के द्वारा भगवान पर कैसे निर्भर रहे? ये संभव होगा जब हम महामंत्र का लाभ उठाकर हृदय की शुद्धि के लिए प्रयास करें। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस कलयुग में एक बड़ा सरल साधन दिया है, हरे राम हरे राम हरे राम एव केवलम खलो नस्तेव नस्तेव एव गति विगता। ये हरे कृष्ण महामंत्र, मंत्र का अर्थ है जिसके उच्चारण से मन को शांति आए, महा का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध। ये महामंत्र एक साधन है, माध्यम है हृदय को साफ करने के लिए, चेत दर्पण मार्जनम। और जैसे हमारी चेतना शुद्ध होती है उतनी ही मात्रा में हम परम भगवान पर अधिक निर्भर रहेंगे और उतनी मात्रा में हम जीवन के लक्ष्य
को प्राप्त करने के मार्ग में उन्नति करेंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.